हरदोई शहर तहसील के सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम सदर ओम प्रकाश गुप्त की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में मतदाता सूची के चल रहे पुनरीक्षण कार्य की बूथ लेवल समीक्षा की गई। एसडीएम सदर श्री गुप्त ने सभी वीएलओ व नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य सम्पन्न करें। जो लापरवाही करेंगे उसके साथ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिनका अच्छा कार्य होगा उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ वीएलओ के द्वारा अभी तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया है, 10 दिन के अंदर अपना कार्य पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र हरदोई के भाग संख्या 1 से 250 तक के वीएलओ व 251 से 731 तक के बिलों की समीक्षा बैठक की गई। 6 जुलाई को गोपामऊ के भाग संख्या 159 से 406 तक बीएलओ की 10 बजे से और सांडी के भाग संख्या 122 से 384 तक बीएलओ की समीक्षा बैठक 12 बजे से होगी। एसडीएम ने सभी बीएलओ और नोडल अधिकारियों को 100% उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश तथा जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में 1 जून 2018 से 16 जुलाई 2018 तक का ये पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची को हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए चल रहा है। और इसमें मैंने चूंकि इस तहसील में अभी 2 जुलाई को जो कार्यभार ग्रहण किया है तो अभी लगभग 11 दिन ये कार्यक्रम अवशेष है, तो 11 दिन में अच्छी प्रगति आ जाए इसलिए बैठक बीएलओ की बुलाई गई है। इसमें मैंने ये निर्देश इनको दिया है कि जिन बीएलओ ने मैंने जो समीक्षा की है उसमें ऐसे कुछ बीएलओ मिले हैं जिन्होंने जिनकी प्रगति अभी तक शून्य है, तो उनको विशेष तौर से सचेस्ट करने के लिए बैठक बुलाई गई है कि वो अपने काम को सुधार लें और काम प्रगत पर लाएं। यदि काम प्रगत पर वो नहीं लाते हैं तो 10 तारीख के बाद पुनः उनकी मैं समीक्षा करूंगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही कठोर करूंगा, साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की उनकी कार्यवाही में मैं नहीं हिचकूंगा। इसलिए पहले मैंने उनको सजेस्ट कर दिया है कि आप प्रगति लाएं, आप काम अच्छा करें और जो बीएलओ अच्छे काम करेंगे उनकी मैं समीक्षा करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद उनका नाम भी मैं संदर्भित करूंगा आगे, जिससे कि वो प्रशंसित हों और उनके प्रशंसित होने से अन्य बीएलओ को प्रेरणा मिले।